मुझे लगा कि दंगल जैसी बड़ी फिल्म अगर दिल्ली रह के हो सकती है तो बाकी चीज भी दिल्ली रह के हो सकती है। यार मैं ना अक्सर स्ट्रगल वर्ड का उपयोग कम करता हूँ, पर एनीवन टू कंपेयर मी टू आयुष भैया, आई नीड टू बी इक्वल टू हिम फर्स्ट। स्पेशली जब बड़े भाई के मुंह से बातें सुनने में आई थिंक यू ऑलवेज फील really satisfied about your craft. Kudiye Ni mere dil vich vas ja. Jitne bhi log date kar rahe hain abhi isi waqt papa mama se baat karke shaadi kar lo. I like Ranveer Singh. Meri mummy ki khushi ke aansu nahi nikalte hain mujhe aur Ayush bhaiya ko dekh ke. Hamare saath hain Aparshakti Khurrana, jo na sirf ek talented actor hain balki utne hi kamal ke singer, lyricist, composer और न जाने क्या क्या है। सर मैंने तो ये भी सुना है कि अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होता तो आप खुद ही अपना मेकअप कर लेते हैं। कैसे हो आशीष? बढ़िया सर। यार ये तो खैर गलत सुना है तुमने क्योंकि आई थिंक आई हैव अ वेरी नाइस टीम। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि गाने के मामले में ना हमारे पास शायद बजट प्रॉब्लम थी, इसीलिए हम एक अच्छा राइटर अच्छा कंपोजर हायर नहीं कर पाए, इसलिए खुद ही सब कुछ कर लिया। बट थैंकफुली पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एंड यू नो लोगों को गाना पसंद आ रहा है एंड यू नो आई कांट फील मोर हैप्पी एंड ब्लेस्ड अबाउट इट बिकॉज आपका फर्स्ट कॉम्पोजिशन यू नो इफ पीपल हैव एक्सेप्टेड इट विद ओपन आर्म्स इट डजंट रियली हैपन टू लॉट ऑफ पीपल एंड अ रॉ म्यूजिशियन लाइक मी हु इज जस्ट पुट फॉरवर्ड अ वेरी ऑनेस्ट यू नो पीस ऑफ वर्क एंड या थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग Kudiye Ni विद ओपन आर्म्स। हमने ट्विटर पे लोगों से फैन से आपके लिए क्वेश्चन मंगाए थे। अच्छा। तो कई लोग ये बोल रहे थे कि आयुष्मान और अपार ने मिलकर इंडस्ट्री के लोगों को घर बैठाने का प्लान बना लिया है, आप क्या कहते हैं? यार आई थिंक आई वुड रादर जस्ट से दैट यू नो टच वुड एवरीवन इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस सिटी तो हर कोई काम कर रहा है, टच वुड हम भी कर रहे हैं। सो या अच्छा मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, देखा आपने लॉ की पढ़ाई की है जी, आपने अंडर 19 में क्रिकेट कैप्टन रहे हैं, रिप्रेजेंट किया हरियाणा को जी, ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से लगा आपको? यार मैं तो हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना चाहता था बट आई काइंड ऑफ लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड यू नो आई काइंड ऑफ फेल्ड एट इट। तो जब वो नहीं हो रहा था और मुझे लगा कि अब क्या, और मैं लॉ साथ साथ पढ़ रहा था तो मैं दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचा प्रैक्टिस करने के लिए। बट देन बिकॉज आई वॉज नॉट kind of happy with that profession and I could see my brother doing something which was really out of the box which was really inspiring, so of course I could see my own brother doing all these creative things, hence I thought maybe try karne ki koshish karta hu, to bas abhi tak try karne ki koshish kar raha hu. Aur radio jockey bhi the aap, ek safal radio jockey the. Yeah. Pehli film aapko kaise mili Dangal, aur usme kamal ki acting aapne ki, wo jo appreciation mila न सिर्फ लोगों का, क्रिटिक्स का, हर तरफ से अवार्ड्स भी मिले, उसको कैसे लेते हैं आप? यार ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है कि आपको आपके करियर के शुरुआत में ही इतनी सारी अप्रिसिएशन मिल जाए। हैविंग सेड दैट करियर का शुरुआत इस करियर का शुरुआत था, एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले लाइक मेन स्ट्रीम एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थिएटर कर रहा था 7-8 साल, रेडियो कर रहा था, सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। तो स्पेशली अब इतने टाइम के बाद आपके पहले ही यू नो करियर के शुरुआत में आपको इतनी सारी अप्रिसिएशन और कॉन्फिडेंस मिले तो आपको अच्छा लगता है एंड यू फील हैप्पी अबाउट योर लाइफ, यू फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है उससे। सो या मैं दिल्ली में था जब दंगल की कास्टिंग हुई और दिल्ली में ही रहता था तब, और बल्कि मैं मुंबई शिफ्ट नहीं होना चाहता था, बल्कि मुझे एक तरह से ऐसा लगता था कि अब मैं जब कास्टिंग हुई और शूट स्टार्ट हुई तब मैं थोड़ा और दृढ़ निश्चय ले चुका था कि अब तो दिल्ली ही रहना है, क्योंकि मुझे लगा कि दंगल जैसी बड़ी फिल्म अगर दिल्ली रह के हो सकती है तो बाकी चीज़ भी दिल्ली रह के हो सकती है। बट देन थिंग्स शेप्ड अप इन अ सर्टन वे, स्टार स्पोर्ट्स कॉल्ड मी टू होस्ट क्रिकेट शोज ऑन देयर चैनल एंड बस ये सब चीज़ें होती रही, क्रिकेट एंकरिंग के लिए बुलावा आ गया मुंबई से एंड दैट वॉज रियली माई ट्रू कॉलिंग। A sports person who wanted to do something creative, इससे अच्छी बात उसके लिए क्या हो सकती है? आपने बताया पहली फिल्म के मिलने के बीच में काफी स्ट्रगल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि आसानी से आपको कोई चीज मिल गई, उसके बारे में कुछ अपने फैंस से? यार मैं ना अक्सर स्ट्रगल वर्ड का उपयोग कम करता हूँ, नॉट बिकॉज मैंने वो देखा नहीं है साइड, वो प्रिपरेशन, हाँ मैं उसको प्रिपरेशन कहता हूँ, वो प्रिपरेशन है फॉर द बिग लीग, हमेशा ही प्रिपरेशन ही रहेगी। अब देखिए यहाँ से
बेहतर रोल्स की तरफ जाने के लिए है तो स्ट्रगल ही, लेकिन मैं उसको प्रिपरेशन कहता हूँ, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू यूज दिस टर्म यू फील मोर हैप्पी अबाउट लाइफ, यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लाइफ, यू फील वेरी अप एंड किकिंग एंड यू नो आपका मन करता है, यू फील पुशी अबाउट यू नो योर क्राफ्ट एंड आपका मन करता है आप ये सब चीज़ें करें. तो और अगर स्ट्रगल कह देंगे तो एक नेगेटिव फेज आ जाता है, एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है. सो और स्ट्रगल स्पेशली इसलिए नहीं बोलूँगा उस फेज को, क्योंकि जो रेडियो और थिएटर के डेज थे, आई हैव सच ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ दोज डेज, आई हैव मेड सच ब्यूटिफुल फ्रेंड्स ड्यूरिंग दोज डेज. अब मैं उसको स्ट्रगल बोल दूँगा तो शायद से जो उसका जो जो मेमोरीज का जो मज़ा है ना वो शायद चला जाएगा. सो आई मीन प्रिपरेशन है, एंड रादर लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन यार. आई मीन फ्रॉम वन फेज टू अनदर, इवन एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर जितने भी सीनियर हैं मुझसे, वो भी नेक्स्ट लीप लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी अपनी तरफ से कह रहे हैं बड़ी स्ट्रगल है यार. तो मतलब हर एक की लाइफ में ही वो उसका मीनिंग चेंज होता रहता है, उसका दायरा चेंज होता रहता है, बट लाइफ विल ऑलवेज बी अ कॉन्स्टेंट प्रिपरेशन. जी एक कमाल की बात और है कि आपके भाई पहले से यहाँ पर एक अपना नाम बना चुके थे, काफ़ी कुछ कर चुके थे, लेकिन आपने कभी उनका सहारा नहीं लिया. अब मेरे ख्याल से जितना आपके बारे में रिसर्च किया है, आपने अपने दम पे अपनी कोशिश की और अपना एक अलग मुकाम बनाने की कोशिश की. यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर नॉट मेकिंग मी फॉल इनटू द एम्बिट ऑफ नेपोटिज्म. दैट्स आल्सो बिकॉज आई मीन आपके साथ साथ मैं श्रेय भैया को भी दूंगा, उन्होंने इस तरीके से ही चीज़ें घर पे संभाली कि नेपोटिज्म वाला जो डिबेट है उसका हिस्सा बन ही ना पाए हम दोनों. एंड थैंकफुली आई हैड माई ओन जर्नी, ही ऑफ कोर्स हैड हिज ओन जर्नी. आई थिंक जब आप अपनी जर्नी करते हैं ना, तब आप अक्सर यू नो इवन इफ यू हैव अ ब्रदर इन दिस फील्ड और आप यू नो स्टार ब्रदर टाइप एंट्री नहीं लेते हैं और अपनी जर्नी करते हैं, तो आप अक्सर नेपोटिज्म का डिबेट का हिस्सा नहीं बनते हैं, एंड यू फील मोर हैप्पी एंड मोर सेटिस्फाइड अबाउट योर क्राफ्ट. अगर आप खुद छोटे छोटे स्टेप्स लेकर पहुँचें तो उसका मज़ा अलग है. और मैं तो अभी भी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ, अभी भी मैं इवन आफ्टर डूइंग यू नो अ फिल्म इन द फोर फ्रंट नाउ, एक कानपुर नाम की फिल्म करी है, एक और मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने लगा हूँ अगले महीने. Even now I'm reading a script जहाँ पे मैं second lead में हूँ, तो and I most likely will do that film because वो मुझे world इतना पसंद आ रहा है. So I mean especially in current scheme of things I don't want to be that actor जिसने already जाके अगर you know एक film कर ली है जो उसकी film है, वो बाद में जाके second lead में film ना करे. So I am already reading a script and 99.9% I will do that film because वो world इतना खूबसूरत लिखा गया है. And more often than not जब एक world खूबसूरत लिखा गया होता है वो अच्छा बनता है, वो लोगों को पसंद आता है, एंड मोर ऑफन देन नॉट पीपल विल काइंड ऑफ अप्रिशिएट योर वर्क चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो. जी स्त्री की बात करें या लुका छिपी की बात, एक अच्छी चीज़ है कि जब आप कोई रोल प्ले करते हैं भले ही वो हीरो के दोस्त का हो, तो वो हीरो को ग्लोरीफाई कर देता है, आप ऐसी एक्टिंग करते हैं उसमें. लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके होने से वो ज़रूर हीरो का रोल जो है वो उभर कर आता है, आप किस तरीके से लेते हैं इसको? यार मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो मेरे होने से होता है, मैं 100% ये कहूँगा कि वो टीम की होने से होता है. मैं जो उसमें क्या कोशिश करता हूँ कि सब कुछ उभर के आए, वो ये है कि जो मेरे साथ फ्रेम में एक्टर खड़ा है या एक्ट्रेस खड़ी है, एक है या दो हैं या चार हैं, मैं उनके दायरे में जाकर कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करूँ, मैं अपने दायरे में ही रहकर अपनी चीज़ें करूँ. ऑफकोर्स इम्प्रोवाइजेशन चलती है, लेकिन वो इम्प्रोवाइजेशन कुछ एक आधे वर्ड एक आधे लाइन की होती है, इतना कुछ ज़बरदस्ती ना हो कि सीन का जो चार्म है वो निकल जाए, फिल्म का जो चार्म है वो निकल जाए. तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि उस यू नो सीमा में रहते हुए, उस उन बाउंड्रीज में रहते हुए एज मच एज आई कैन परफॉर्म मैं वो करने की कोशिश करता हूँ. एंड वो आई थिंक मज़ा तभी आता है. एंड एज आई टोल्ड यू दैट आई वाज ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं फिल्म सेट को भी एक क्रिकेट फील्ड की तरह मानता हूँ कि मैं खेलने गया हूँ, और अगर कोई इंसान यू नो मैं कवर्स पे खड़ा हूँ, जो पॉइंट पे खड़ा हूँ उसको पॉइंट में फील्डिंग करना है, तो मुझे ज़बरदस्ती जाके उसका कैच नहीं पकड़ना है, बिकॉज यू नो हर एक की अपनी स्पेस है, हर एक की अपनी जगह है, और जब हर कोई इंसान अपनी अपनी जगह में बैठ के फील्डिंग करे, खड़े होकर फील्डिंग करेगा, तो तभी मैच जीत पाएंगे. तो बस मैच जीतने का ही आई थिंक जो एंड मोटिव है हर एक का, वो मैच जीतने का ही है. अगर आपको वो सीन पसंद आया, वो फिल्म पसंद आई, वो इसीलिए पसंद आई क्योंकि मैच जीतने निकले थे.
आप पे कोई प्रेशर तो नहीं होता कभी कि आयुष्मान क्योंकि ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश हो गए हैं, अच्छा नाम कमा चुके हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि अभी आपको कभी कंपेयर किया गया हो कि आपका भाई बहुत अच्छे लेवल पे है? यार मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार तो टचवुड कोई प्रेशर नहीं होता है, और वो प्रेशर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम दोनों की स्पेस अलग है, और कंपेरिजन भी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम दोनों की स्पेस अलग है. फॉर एनी वन टू कम्पेयर मी टू आयुष भैया, आई नीड टू बी इक्वल टू हिम फर्स्ट. सबसे पहले इक्वल होना ज़रूरी है. जब दोनों सेम उस पर होंगे तभी कंपैरिजन हो सकते हैं. तो जब तक मैं इक्वल नहीं हो जाता तब तक तो मुझे लगता नहीं है कोई भी कंपैरिजन होने का मतलब है. सो थैंकफुली हम दोनों ने स्पेस भी अलग पकड़ी हुई है. सो टचवुड थिंग्स हैव बीन फाइन. कोई कंपैरिजन वगैरह मैं मुझे लगता है कि जब मैं अगर मैं बाई चांस कुछ अच्छा करके ऐसे मुकाम पर कभी पहुँचूँ जहाँ कंपैरिजन हो भी, आई एम जस्ट होपिंग कि ऐसा कोई कंपैरिजन ना हो जो यू नो किसी भी प्रोफेशनल या पर्सनल स्पेस में यू नो बाधा बने या कुछ भी. सो या आई मीन यू नो ऑल ऑफ अस आर इक्वली हैप्पी इन आवर स्पेस एंड इक्वली प्रोग्रेसिव एंड या टचवुड गॉड हैज गिवन एंड ऑडियंस हैज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लव. सो या थैंक यू सो मच. और आपके काम को वो देखते हैं अभी तक सबसे अच्छा या सबसे क्रिटिकल कोई कमेंट उनकी तरफ से, आयुष्मान की तरफ से आपके फिल्म को, आपके काम को मिला? उनको पसंद सबसे ज्यादा स्त्री आया, लेकिन सबसे अच्छा कमेंट मुझे उनका दंगल का लगता है, क्योंकि जब दंगल की स्क्रीनिंग ख़त्म हुई थर्सडे वाली, मंडे से शुरू हो गई थी और थर्सडे वाली स्क्रीनिंग जब ख़त्म हुई तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे वो नहीं आ पाए थे, थर्सडे वाली स्क्रीनिंग में आए. तो वो कहते हैं कि यार देख अपार ऐसा है, फिल्म तो अच्छी है ही है, तू तो अच्छा है ही है फिल्म में. आसपास तब तक सब लोग फिल्म देख चुके थे, हमारे यू नो बाकी फ्रेटर्निटी के फ्रेंड्स कहते सबने मैसेज करके बोल दिया है कि अपार बड़ा सही है, इज़ आउटस्टैंडिंग दिस एंड दैट. सो मुझे वो नहीं बोलना है, मुझे पता है तूने अच्छा काम किया है, तुझे भी पता है तूने अच्छा काम किया है. आई जस्ट वांट टू से उन्होंने जब भी पाई एंड वाज लाइक सबसे अच्छी बात ये कि तूने खुद किया है. सो यू नो वो जब बातें निकलती हैं और स्पेशली जब बड़े भाई के मुंह से बातें सुनने में, आई थिंक यू ऑलवेज फील रियली सैटिस्फाइड अबाउट योर क्राफ्ट, रियली सैटिस्फाइड अबाउट योर लिटिल जर्नी जो आपने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करी है. सो या आई मीन दीज आर द टू थिंग्स उनको, अदरवाइज अच्छी परफॉर्मेंस उनको स्त्री में लगती है. जी अच्छा, ये लिरिक्स लिखने का या म्यूजिक कंपोज करने का ये टैलेंट कहाँ से आया? यार एक्चुअली मैं ना इसको गाना नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ म्यूजिकल लव कॉन्वर्जेशन. मैं इसको कॉन्वर्जेशन बोलता हूँ, जो जब मैं रेडियो किया करता था रोज़ अपने स्क्रिप्ट आरजे को खुद लिखनी होती हैं, उसके साथ साथ यू नो जब मैं थिएटर किया करता था तो हमारे जो डायरेक्टर साहब होते थे वो हमें थिएटर एक्सरसाइज दिया करते थे, जिसमें आपको यू नो कहते थे, कोई एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे वो कहते थे कि आप और आपका दोस्त खड़ा है रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन आने में 10 मिनट है अभी, तो आपस में क्या बातें होंगी. तो वो 10 मिनट की या मतलब यू नो 8 मिनट की कॉन्वर्जेशन कई बार लिखनी होती थी, कई बार इनैक्ट करनी होती थी, कई बार दोनों करना होता था. तो एक दिन मैं गिटार लेके बैठा हुआ था, दंगल की शूट चल रही थी, वैनिटी वैन में बैठा था मैं, थ्यागराज स्टेडियम की बात है दिल्ली की, तो 4 साल हो गए इस बात को. तो मैं गिटार लेके बैठा था, मुझे लगा कि चलो एक लड़का लड़की, मैं अपने दिमाग में एक यू नो सिचुएशन लेता हूँ, एक लड़का लड़की चंडीगढ़ में है और वो मिले हैं 10 साल बाद, वो स्कूल टाइम पे एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, तब एक दूसरे के लैंडलाइन नंबर उनके पास होते थे, मोबाइल आ गए, मोबाइल नंबर है नहीं, कैसे मांगेगा नंबर, क्या बातें करेंगे वो. सो ये सिचुएशन मैंने ली और ये 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा गाना लव कॉन्वर्जेशन, म्यूजिकल लव कॉन्वर्जेशन कम्प्लीट हो गई. बट 4 साल लगे उसको रिलीज़ करने में. दैट्स बिकॉज आई थिंक आई जस्ट वॉज वेटिंग. जिस तरह मैंने आई थिंक एक्टिंग करियर भी स्टार्ट करने में बहुत टाइम लिया मैंने, वैसे ही म्यूजिक करियर भी स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लिया. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, यू नो नीति मोहन टू डू, यू नो शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड, तब भी यू नो उन्होंने मुझे लगा टाइम लेकर सारी चीज़ें करें. सरगुन जो चंडीगढ़ से हैं उन्होंने फीचर किया, तायरा भाभी यू नो माई सिस्टर इन लॉ शी डायरेक्टेड द वीडियो, एंड यू नो when we had you know somebody like T series on board. तो ये सब चीज़ों में वक्त लगता है जी. सो एंड टी सीरीज गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जब मैं उनके पास गाना लेकर गया. सो भूषण सर, हिज एंटायर टीम, दे वर मोर देन यू नो सपोर्टिव, एवरीबडी वॉज एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग. मैं रात को 12 बजे भी मैसेज करता था ब्रांड्स टीम को या क्रिएटिव टीम को या किसी भी टीम को, डिजिटल टीम को, तुरंत से पहले रिप्लाई आता था. सो आपको जब ये सपोर्ट मिलता है और ये कॉन्फिडेंस मिलता है और ये फ्लो मिलता है, यू फील हैप्पी अबाउट इट, यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट. आपको लगता है कि हाँ शायद आपने एक सही कदम उठाया है, तभी शायद आपको वापस लोग इस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं. सो 5 मिनट में वो गाना बना जो मैं 5 सेकंड में क्विकली आपको सुनाया था. कुड़िये नी
मेरे दिल विच वस जा कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं जचदा कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं रहना कुड़िए नी ए चुप्पी ता तोड़ कुड़िए नी आना कानी भी छोड़ कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए सो ये सब आई थिंक हरकतें चंडीगढ़ में या पंजाब के किसी भी शहर में यू नो होती हैं वेडिंग्स में या रादर कोई भी एक आप शहर उठा लो यू नो जहाँ पे वेडिंग हो रही हो वहाँ पे ये चीज़ें ही नोकझोंक होती हैं आपके दोस्त की शादी है आप लड़के वाले की तरफ से हैं वो लड़की वालों की तरफ से हैं बातें चल रही हैं यू नो आप अच्छी तरह तैयार होके गए हैं सूट बूट पहना है कुर्ता पजामा पहना है शादी वाला जो माहौल होता है गाना बजाना दिस एंड दैट अच्छा खाना बार काउंटर दिस एंड दैट सब कुछ एक साथ है वहाँ पे तो वो तो तीन चार दिन की पार्टी होती है यू नो तीन चार दिन फेस्टिवल होता है सो ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे आपको बहुत कुछ करने को मिलता है यू नो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है फ्रेंड्स के साथ नाचने को मिलता है एंड यू नो इफ यू स्ट्राइक द राइट कॉर्ड आपको कई बार अपना लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है सो बल्कि पता है आजकल ना पेरेंट्स डांटते हैं जब आप पहली बात तो जब आप 15-16 के होते हैं डांटते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाना और जब 25-26 के होते हैं डांटते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाना सो तो ये डांट रहे होते हैं कि यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो क्यों नहीं बनाया तुमने अभी तक चलो तैयार होके जाओ शादी पे अब तो वहाँ ये शादी में ना ये हंटिंग ग्राउंड होता है कि आपको अपना पार्टनर ढूंढना है यहाँ पे तो इवन पेरेंट्स सपोर्ट इन दिस कॉज नोबल कॉज सो आई थिंक ये सब माहौल चल रहा होता है बट वन थिंग इज फॉर श्योर जो हमने अपनी वीडियो में भी ध्यान रखा दिस नो काइंड ऑफ स्टॉकिंग इन द यू नो इन द वीडियो एंड ताहिरा भाभी की तरफ से ये एक यू नो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी मुझे भी और सरगुन को भी मुझे ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपने हावी होने की कोशिश नहीं करना है यू नो एंड सरगुन को ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपने चर्पी रहना है हमेशा यू नो नखरा वो पंजाबी कुड़ी वाला जो हाँ नखरा दिखाना है एक हैप्पी फेज में नखरा दिखाना है सो दैट यू नो इट शुड नॉट दिस अ वेरी थिन लाइन बिटवीन स्टॉकिंग एंड अप्रोचिंग अ गर्ल सो और वो नोकझोंक में बहुत एक थिन लाइन होती है बिल्कुल एज पे आपको खेलना होता है सो वी आर वेरी क्लियर बिकॉज दैट्स अ काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग वी कम फ्रॉम दैट्स अ काइंड ऑफ स्कूलिंग वी कम फ्रॉम दैट्स अ काइंड ऑफ थिएटर बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम जहाँ पे परफॉर्मेंस को वो एक छोट देखो क्या होता है ना वो हल्के से ही इमोशन का फर्क होता है सो यू रियली हैव टू बी केयरफुल बिकॉज अदरवाइज रॉन्ग मैसेज बाहर जाता है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्पेशली बिकॉज टी सीरीज 1 million तक पहुंच चुका है ग्लोबली नंबर 1 यूट्यूब चैनल है देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वॉच दैट यूट्यूब चैनल पीपल कंज्यूम अ लॉट ऑफ म्यूजिक ऑन दैट यू नो ऑन दैट लेवल तो इतने सारे लोग देखने आएंगे आपको ऐसी चीजें करनी है जो लोग यू नो जिसके बारे में लोग हैप्पी फील करें कोई ऐसा कुछ ऊटपटांग चीज ना जी शादियों की बात आई तो मैं पढ़ रहा था कि आपने आकृति भाभी जो वाइफ है आपकी क्या बात है आशीष भाई फुल रिसर्च करके आकृति भाभी आई लाइक इट सर तो उन्होंने उनको आपने डांस क्लासेस में आपका आमना सामना यार उसके बारे में कुछ बताइए आशीष भाई पहले तो बता दूं कि यार इतना होमवर्क करके तो मैं भी मुंबई नहीं आया था इतना होमवर्क आज आप कराया वैसे थैंक यू सो मच ब्रदर मींस अ लॉट टू मी बिकॉज़ आई हैव बीन ऑन दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड जब भी कोई इंसान होमवर्क करके आता है आपको खुद को अपने बारे में इतना अच्छा लगता है कि यू डिजर्व इट नहीं यार थैंक यू सो मच मैं जब रेडियो जॉकी हुआ करता था मैं भी कोशिश करता था ऐसा होमवर्क करने की बट टचवुड आपने तो काफी ज्यादा काफी अच्छा होमवर्क किया है सो गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस सो यार टॉकिंग अबाउट माय वाइफ यार मैं शामक क्लासेस में मिला था उनको बचपन में तब हम डेट नहीं कर रहे थे तब हम सिर्फ फ्रेंड्स थे तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ती गई उसके बाद हम दोनों दिल्ली पहुंच गए मैं दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा वो हिंदू कॉलेज पहुंची पढ़ाई करने के लिए तो वो मुझसे कुछ 3-3.5 साल छोटी हैं तो बस वहाँ पे भी हम इन टच रहे मस्ती करते रहे और यू नो आसपास हमारे इतने सारे कॉमन फ्रेंड्स थे हमारा यू नो एक धीरे धीरे ग्रुप बनना शुरू हुआ एंड कैसे धीरे धीरे डेट करना स्टार्ट किया और शादी कर ली पता ही नहीं चला और अब शादी को 5 साल हो गए हैं आई मीन टच वुड God has been more than kind, yaar. All the good things have followed after getting married. जितने भी लोग डेट कर रहे हैं अभी इसी वक्त पापा मामा से बात करके शादी कर लो ये बेस्ट आइडिया है हाँ और आपका आइडियल एक्टर कौन है ये किसके तरह बनने चाहते हैं अगले 5 साल में अपार कहाँ देखते हैं अपने आप यार when it comes to the energy and the you know the charisma and everything I like Ranveer Singh अगर आप मुझसे
टोटल पैकेज की बात करें, आई थिंक शाहिद कपूर इज अ रियली गुड लुकिंग गाय, गुड एक्टर, गुड ड्रेस सेंस. एट द यू नो ही स्टिल लुक्स 25 एंड फिट है, सब कुछ आई थिंक सही है उनके बारे में. एंड मैंने जानबूझ के अपने भाई का नाम नहीं लिया बिकॉज ऑफ कोर्स आई विल बी बायस्ड, यू नो मैं इस शहर में हूँ बिकॉज आई सॉ दिस रियली कूल गाय एट माय यू नो इन माय फैमिली जो जो इतनी कमाल की चीज़ें कर रहा था. सो एंड बट आई रियली फील दैट आयुष्मान बेस्ट इज येट टू कम. आई कांट बी मोर मॉडेस्ट अबाउट इट. ही इज द ओनली एक्टर इन द कंट्री हु हैज हैड 4 बैक टू बैक हिट्स एंड टचवुड आर्टिकल 15 शुड ऑल्सो बी अ हिट. 5th बैक टू बैक हिट हो जाएंगे अगर ये हिट होती है तो. सो बट इवन आफ्टर वॉचिंग आर्टिकल 15's ट्रेलर, आफ्टर वॉचिंग रशेस ऑफ द फिल्म, आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट, आई स्टिल बिलीव दैट हिज बेस्ट इज येट टू कम. ओके अपार, आपसे बात कर रहे हैं, कुछ ट्वीट्स आए हैं आपके. अरे वाह, वो पूछना चाहेंगे आपसे. शबीन रमदाम पूछते हैं कि एज अ स्मॉल ब्रदर ऑफ आयुष्मान खुराना एंड बीइंग बोथ सक्सेसफुल विद करियर, हाउ डू यू फील एंड नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, आर यू मोर सॉन्ग्स कमिंग आउट? ओके यार, पहली बात तो मेरी मम्मी की खुशी के आंसू नहीं निकलते हैं मुझे और आयुष भैया को देख के. एंड आई फील रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट आई हैव बीन एबल टू मेक माय पेरेंट्स हैप्पी. So and but it all you know has happened because of parents' hard work and their blessings. मेरी मम्मा तो अभी भी पूजा करती रहती हैं यार मेरे बारे में कि मैं सही कर रहा हूँ चीज़ें कि नहीं कर रहा. So yeah, I mean it feels great that you know he has had a fantastic graph in his career. I have a decent graph in my career. So and on songs front, यार मैंने 3-4 गाने और compose करके रखे हुए हैं. I think I want to take my time to release them. 4 saal nahi lunga, don't worry, but little time. I'm just going back to my 2 films. I'll complete those films and then come back to my songs. To aur bhi gaane aa rahe hain abhi, aap intezar kariye. Kausto Datta poochte hain ki is that the Bikki Please guy? Yeah, Bikki Please. Bikki Please, aap Kudiye Ni sune jaake. Bikki Please, aap zara अपने कज़न की शादी पे उस पर नाचें. बिकी प्लीज, ये गाना सुनने के बाद आपको कैसा लगा मुझे भी बताएं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और आशीष को भी बताएं जी. एक पिक्चर आपकी भेजी है शॉन अहमद ने. हाँ. और लिखा है कि व्हाई डिड यू लुक सो स्लीप. यार पता है क्या, मैं ना थोड़ा सा मतलब उस समय ना म्यूजिक चल रहा था, और म्यूजिक ना मुझे, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम अ टीटोटलर. तो ये जो पिक्चर है इसमें जो मेरी आंखों में जो मंदहोशी है और जो ऐसा नशा है वो म्यूजिक का नशा है. जो मैं दोबारा से दिखाऊं लोगों को, वो चाहते हैं दोबारा से दिखाया जाए. तो ये जो ये देखें ज़रा, ये जो आंखों में मदोशी है, जो आंखों में नशीलापन है, वो इसलिए क्योंकि यार आई गेट हाई ऑन म्यूजिक एंड वो ऐसा हो जाता है फिर. या अच्छा, बाला महात्रे पूछते हैं कि क्या आपने दंगल में सही में मार खाई है? यार मैंने ऑफ कोर्स बहुत मार खाई है. और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कैरेक्टर था वो इतना अनकंडीशनल कैरेक्टर था, वो मार खाए कुछ भी खाए चलता है यार. यू नो वो भाई इतना प्यारा भाई था, जब मैं पढ़ना शुरू किया उसको मैंने, यू नो इतना प्यारा लगता था वो पढ़ने में भी. थैंकफुली मैं थोड़ा जस्टिस कर पाया उसको एंड पीपल हैव गिवन अ लॉट ऑफ लव. एंड यू नो जब घर पे आपको बहनों से मार पीट है ना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही फन माहौल होता है उसमें. नेवर इन लाइफ यू कैन इवन थिंक अबाउट यू नो आप अपना हाथ या कभी भी आवाज़ ऊंची करना या उठाना नहीं सोच सकते हैं अपनी सिस्टर के प्रति, लेकिन जब बहन की तरफ से वो ऐसे चपेट आता है ना, आप वो बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट हैव अ रियल सिस्टर बट आई हैव यू नो कजिन्स अराउंड. So it's भाई बहन का relationship, it's a really pure relationship. तो on screen भले ही आपने मार खाई हो, लेकिन off screen तो लोगों ने जमकर प्यार दिया. टचवुड यार, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई बहन का relationship इतना pure relationship होता है. वो pure relationship लोगों को नजर आया, वो pure relationship you know लोगों ने accept किया, बहुत प्यार दिया. And बल्कि उस फिल्म ने जितना प्यार दिया, उस फिल्म ने जितना कॉन्फिडेंस दिया लाइफ में, आई कॉन्ट फील मोर ब्लेस्ड अबाउट द फैक्ट दैट one of the highest grosses of you know the Hindi film industry, one of the biggest films of the Hindi film industry, Dangal. It's through my voice, it's I've been a part of that film and it's just too beautiful. Pintu bolte hain ki sir ek bar please wo luka chupi wala dialogue bol do. Luka chupi wala dialogue wo ji wo meri muh boli behan hai ji. Lekin wo to bol nahi sakte na muh boli. Wo ji ishare se mujhe behan bulati hai.
क्या बात है। अच्छा एक लास्ट में ये आपके साथ एक म्यूजिकल विस्पर चैलेंज खेलेंगे। अरे वाह। ओके गाइस लेट्स डू दिस। क्या पीना की दुल्हनिया पतरी पतरी बद्री बद्रीनाथ की दुल्हनिया मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वेरी नाइस। खाना जोर से बोलो। दो वर्ड है, जोर से बोलो। राजमा चावल। राजमा चावल। समझावा की मैं तेनू समझावा की मैं तेनू समझावा की डन। वेरी नाइस। चलिए गाइस थैंक यू सो मच ब्रदर। सो अपार आपने ये म्यूजिकल सेगमेंट भी जबरदस्त तरीके से पूरा किया और आपसे बात करके पता ही नहीं चला कि हमारी बातचीत इतनी लंबी हुई। बहुत अच्छा लगा, आपने दिल से बातें की। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो मच। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स पे इसी तरीके से इंटरव्यू करते रहेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड। होप आप लोग को भी पसंद आया हो ये। हाय गाइस दिस इज अपारशक्ति खुराना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बॉलीवुड नाउ राइट नाउ। थैंक यू सो मच राइट नाउ।